अरे वो तुमको संजय पार्क का है बुला दो, वहाँ तो काफी लौंडा लोग रहता है इस समय, हम एक जगह जानते हैं, उसको भी बता देंगे, तुम वहीं पर मिल लो। ये मजनू वाला हुलिया से अब बाहर आओ, शाम को मिलो हमको नहा धो के, फिर साथ ही चलते हैं तुम्हारा सेटिंग करवाने। ए, का तुम साथ ही रहोगे हमरे? बस ये देखो शहजादा सलीम को नजर ना लग जाए, साले मार जूता कमर फुला देंगे। तुमसे हुआ तो कुछ बोला नहीं गया और यहाँ बड़का शेर बन रहा है, जाओ और तैयार होके मिलो हमको, तब तक हम तनिक गिफ्ट का जुगाड़ कर लेते हैं, काहे कि तुमको तो लूर है नहीं, तो हम खुद ही देख लेते हैं कुछ। अच्छा ठीक है जा रहे हैं। अबे तो जा ना, यहाँ काहे बैठा? जा रहे हैं ना, जाओगे नहीं तो मिलोगे कैसे? बड़का हीरो गिरी झाड़ रहा है। अरे गजब, एकदम काल लग रहा है बे। सुमनिया तो तुमको देखकर एकदम फ्लैट ही हो जाएगी। साला ये बताओ का लिए गिफ्ट में? सेंट लिए, एकदम जबर खुशबू है, जब जब लगाएगी ना तुमको अपने पास महसूस करेगी। भालू नहीं लिए? भालू फिर कौन दिन दे देना, काय के अंदर तो जाइए रहा है, वो भी चश्मा लगा के उसी से काम चला लेगी। चलना बे, लुक्का दे रहा है, चल साइकिल चला। क्या तुम्हारे पैर में मेहंदी लगाए का? करोगे ज्यादा रंगदारी, घुटना में दर्द है हमारे। चल चला। चल साला नौटंकी। हाँ चला है ना बे। कल का मैच देखे थे? हाँ यार, कहाँ खेला युवराज, साला 6 बॉल पे 6 छक्का। बस वैसे तुमको भी छक्का मारना है, आग लगा देना आग। आग का लगा दे बे, बात करने जा रहे हैं। चलो बेटा सत्ता, हवा कम हो गया, उतरो हवा भरो। ऐसा है ज्यादा बकलोली तो करो मत, और जो समझा रहे ना उस पर ध्यान दो। काहे कि प्यार मोहब्बत अपना जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोरा की तरह उसके आगे कुकुरमुत्ता बन जाओ। दिन में जो ड्रामा तुम कर रहे थे ना, मन तो ऐसा कर रहा था कि मार ला रहे हो भाई। वो तो गया सब ठीक, तुम ठीक ही हो तो शुक्र मना, वो लौंडिया खुद ही आके बोल दी, वरना लाना पड़ता तुमको पटरी से पकड़ के फिर से। अरे हो गया ना सब ठीक। आज जबर लग रहा है तुम्हारा माल, ऐसा करो तुम आज यहीं बैठो, हम बात करके आते हैं। अबे अबे नर्वसा काय रहे बे, मजाक कर रहे हैं, अब जाओ और जल्दी बात करके लौटो। अबे जाओ बे, ये लो गिफ्ट पकड़ो, अब जाओ। अबे जा बे। अच्छी लग रही हो। तुमसे जो मिलना था। ये तुम्हारे लिए। तुम गिफ्ट खोल के नहीं देखी? Thank you.
क्या हुआ, तुमको गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है। तो ऐसे उदास काहे हो गई? सेंट नहीं देना चाहिए, इससे फ्रेंडशिप टूट जाता है। सेंट देने से फ्रेंडशिप टूट जाएगा? पता नहीं, ऐसे ही होता है। हमारी एक दो दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है। वो अपने लवर को गिफ्ट में सेंट दी और उनका फ्रेंडशिप टूट गया। सेंट, रुमाल और घड़ी देने से दोस्त ज्यादा दिन नहीं चलता है। जासाला, ये कैसा टोटका है? देखो, हम तुम्हारे लिए एक घड़ी लाए हैं। अब जल्दी से पहन के दिखाओ। अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा, हम तुम्हारा हाथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान कसम। सब साला वो दद्दन का किया दरा, वही हमको बोला था कि जाके सेंड दो गिफ्ट में। कहा है कि जब जब वो लगाएगी तो महसूस करेगी अपने पास। ए सुमन, तुम हमको कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? अगर छोड़ना ही होता तो तुमसे मिलने इतने दूर काहे आते? हम तो तुमको जाने कब से प्यार करते हैं। पता है, हर बृहस्पतिवार को साई मंदिर जाके तुम्हारे लिए मन्नत मांगते थे। हमको विश्वास नहीं था कि तुम हमको प्रपोज भी करोगे। अरे हाँ, हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तुम्हारे लिए अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाए हैं। कहते हैं ना, कुछ अच्छा हो तो मुँह मीठा करना चाहिए, और आज का दिन तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। अरे वाह, बहुत अच्छा बनाई हो। रख लो, खा लेना। हेलो, अबे कान में गोल मिर्ची डाल के बैठा है का बे? घर उर चलना है कि नहीं? नहीं कहो तो दोनों का ताजमहल ही है बनवा दे। अबे आ रहा है, आ रहा है। बेटा शाम होने वाला है, तुम तो साले बिलल्ला हो, लेकिन उसका घरवाला सब कूट देगा उसको। हाँ बस आ गए। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। क्या बोल रहा था दद्दन? कह रहा था ज्यादा देर हो गया है, जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारा घर वाला सब परेशान होगा। ए सुमन, तुम हमको कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? अरे अभी बोले ना, अगर छोड़ना ही होता तो तुमसे मिलने इतनी दूर काहे आते। अच्छा, अगर तुम्हारे घर वाला सबको पता चल गया तब? कैसे पता चलेगा, हम का सबको बताएंगे। और सुन लो, तुम भी अपने दोस्त समय मत कहना। कहा है कि भैया को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना है। अच्छा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। अबे ये अपलोड करने का रहा था का? तुम तो साले बसिए गए थे, दोबारा नहीं मिलना का? हंस कर रहा है बे?
ई बता तू का बोली, गिफ्ट पसंद आया कि नहीं उसको? और ये टिफिन काहे पकड़ा दी तुमको? सुज्जी का हलवा दी है। अरे वाह, छोरी तो जबर समझदार है भाई, देवर का कितना ख्याल रखते हैं। तू सब छोड़, तू ये बता बात का हुआ, गिफ्ट पसंद आया उसको? सलाम, तुमको बोले थे कि गिफ्ट में सैंड ना दो बल्कि वो भालू दे दो, लेकिन तुमको तो बड़का शाहरुख खान बनना था। हे वाहे, वो सेंट नहीं लगाती का? ऐ साले गवार, बोल रही थी सेंट रुमाल और घड़ी देने से फ्रेंडशिप टूट जाता है। और तुम मान लिए, ये सब चोचलाबाजी है, इस सब से कुछ नहीं होता, समझे हो? नहीं यार दद्दन, ऐसा होता है। वो मिनुआ हमको घड़ी दी और उसके कुछ ही दिन बाद हमारा फ्रेंडशिप टूट गया। साले तुम फिर उसका नाम लिए, अबे कितनी बार कहें कि उसका नाम हमारे सामने मत लो, अब एक को बार भी उसका नाम हमारे सामने लिया ना तो साले यहीं काट के गाड़ देंगे तुम। बता रहे हैं कि साले काय बता रहे हो? मीनू मीनू, जब देखो मीनू मीनू मीनू, तो गुस्सा काय रहे हो? यहाँ हम साले को हलवा खिला रहे हैं लेकिन इनको करेला ही खाना है। करेला नहीं, हम तो बता रहे हो मीनू हमको गिफ्ट में घड़ी दी और हमारा फ्रेंडशिप टूट गया। अब उसका नाम नहीं लेना। हाँ नहीं लेंगे। वो सब छोड़, ये बता सुमनिया से क्या बात हुआ? कुछ नहीं, कह रही थी कि हम दोनों के बारे में किसी को बताना मत। तुम किसी को बताए तो नहीं ना? नहीं, पगला जाएगा, हम काहे बताएंगे किसी को? बस सुबह जब साबुन लेने गए तो राजेश वासे बोले साबुन जरा ओरिजिनल देना, काहे कि सुदर्शन को सुमनिया से मिलने जाना है। और फिर वो करीम जब गिफ्ट देखा तो पूछा ये गिफ्ट किस लिए? हम कह दिए कि सुदर्शन सुमनिया को गिफ्ट देगा। वाह, क्या गजब गुल खिलाए हो तुम, पूरा मोहल्ला में ढिढोरा पीट दिए हो, कोई बचा भी है? हाँ वो सरला चाची का लौंडा, वो भी तो मिला था, हमसे पूछ रहा था, हम बोल दिए। तुमको काहे बताए बे? तुमको का सुदर्शन और सुमनिया का फुटवा लेना है साला। भैया हम काहे बताएंगे किसी को, हम तो तुम्हारे दोस्त है ना। बहुत सही किए हो, अब एक काम करो अखबार में भी छपवा दो जाके, मानोगे नहीं तुम, अपना हरम जदगी दिखाई दिए ना। लाओ इधर हलवा दो, लाई हमारे लिए और महाराज खा रहे हैं। साला सुगर का बीमारी हो जाएगा तुम्हें। नहीं होगा।